सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता के राह में बहुत गलतियाँ तो होगी, लेकिन गलतियों को देखकर रुक जाना गलत बात है और उनसे सीखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना एक अलग बात है। किसी चीज को पाने का जुनून एक आग की तरह है, उसे अपने अंदर बनाए रखें। व्यक्ति की पहचान केवल उसकी सफलता से नहीं बल्कि उसके गुणों से है। परम आनंद केवल अपने कार्य की पूर्ति से ही प्राप्त होता है और जिस दिन वह होगा उस दिन आप उसे व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। आज का पंचांग 22 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 8:49 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:54 से 4:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। तुला राशि 22 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, संचार अभी महत्वपूर्ण है। परिवार में किसी को, खासकर आपके छोटे भाई को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार के साथ एक यात्रा का योग है। आप किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी अनुभव करेंगी। बोले या अपने विचारों को साझा करें, साथ ही दूसरों की सुने एवं निर्णय लेने के लिए पूरे महीनों में आज का दिन सबसे बेहतर है। जल्दबाजी में आप अपने स्वयं को या आसपास को बदलना चाहेंगे। बाहरी संसार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहे बदल सकती हैं। आपके निजी और व्यवसायिक जिंदगी के बीच एक असंतुलन है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रतिदिन के काम की योजना बनाएं, जो हर दिन की जरूरत के हिसाब से अलग हो। चिंता ना करें, आपके परिजन हाल फिलहाल आपके उनके प्रति कम ध्यान के बावजूद आपके समर्पण को पहचान पाएंगे। खास लोगों से मुलाकात होगी। कुछ दिनों से चल रही व्यस्तम दिनचर्या से सुकून और राहत पाने के लिए कुछ समय अध्यात्म और मनोनुकूल गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अधिकतर बातें सफलता से होने से प्रसन्नता बनी रहेगी। आपके अंदर अहंकार ना बढ़े इस बात का ध्यान रखें। अभी नई जिम्मेदारी ना लें। जीवन में किसी भी प्रकार का नया बदलाव करने की कोशिश तनाव का कारण बन सकती है। फायदे की वजह से प्रसन्नता मिलेगी और नए उत्साह के साथ काम किया जाएगा। पार्टनर की जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। पेट संबंधित इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बन रही है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से आप मजबूत महसूस करेंगे। सामाजिक सीमाएं बढ़ेगी। आज आप बच्चों और परिवार के साथ खरीदारी में समय बिता सकते हैं। अविवाहित लोगों का विवाह होने की संभावना है। आज जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को बदलना होगा। आप अपने निजी कामों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, जिससे थोड़ा तनाव रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता भी रहेगी। आज आप सामाजिक कामों में व्यस्त रहेंगे। अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने का ये सही समय है। खासकर महिलाएं अपने काम के लिए जागरूक होगी और सफलता भी प्राप्त करेगी। कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से घर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि वे वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकती हैं। गैस और एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए खान पान पर ध्यान दें। आपकी अच्छी सोच निर्णय लेने में मदद करेगी। अच्छे लोगों से संपर्क करने से आपके अंदर बेहतर सीखने की शक्ति है। चिंता दूर हो सकती है। इस दिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। किसी खास व्यक्ति से आपकी आलोचना हो सकती है। आध्यात्मिक स्थान पर कुछ समय बिताने से आपको शांति मिलेगी। व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज अधिक भाग दौड़ होगी।
कार्य में सफलता से थकान भी दूर हो सकती है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें। इस समय आपकी ग्रह स्थिति सकारात्मक है, इसका अधिकतर लाभ उठाएं। आज वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। आज किसी प्रकार की चोट लग सकती है। छात्र के लापरवाही के कारण पढ़ाई में परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आप उसे ठीक से निभा पाएंगे। काम बहुत है, फिर भी कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहिए। सावधानियां। लेन देन के मामलों में आपके साथ कभी धोखा होने की आशंका है। राजनीतिक लोगों तथा गतिविधियों से दूर रहें। अभी आपको इनसे संबंधित और अधिक जानकारी लेने की जरूरत है। इस समय किसी भी रिस्क प्रवृत्ति के काम में ना तो रुचि ले और ना ही निवेश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय छोटी यात्रा का योग बन रहा है, जिनमें आपके छोटे भाई बहन आपका साथ दे सकते हैं। अपने लवर को नजरअंदाज करें और उसके लिए कोई उपहार जरूर लें। यह छोटी छोटी चीजें ही तो प्यार को गहरा बनाती है। पड़ोसियों के साथ तकरार हो सकती है। आज अपनी लव स्टोरी के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का समय आ गया है। पूरी दुनिया को भूलकर किसी खास के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बारे में सोच सकती हैं। दूरियों को मिटाकर नए अध्याय की शुरुआत करें। याद रखें, आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें जीवन में नया खुमार ले आएगी। आपको अपने साथी के शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाहे जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पाटना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकती हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसे अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़ें। बात करते हैं करियर की। संघर्ष एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये स्थिति एक स्थायी मनमुटाव को जन्म नहीं देगी। हालांकि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब ये पता चलेगा कि जो आपने किया वह आपने सही सोच कर किया था, तो आपको अपने साथी से और अधिक सम्मान मिलेगा। आज आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। जहाँ एक ओर आपको छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिल रहा है, वही नई उम्मीदों और कई संभावनाओं से आपका भविष्य उज्जवल है। आयोजित भुगतान या धन का घाटा आपको परेशान कर सकता है। जीवन के इस नए दौर के लिए तैयार रहें। नए प्रयासों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय बेहतरीन है। अपने कार्य के प्रति आज आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। अपने सहकर्मियों की तारीफ करें और अपनी सीनियर से बातचीत बढ़ाएं, ताकि आपको नए मौके मिले और कार्य में भी आसानी हो। सपना देखें और पूरी शक्ति लगाकर उसे पूरा करें। जीत आपको ही मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। इससे पहले कि आप खुद पर अपनी नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक शक्ति बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित ना हो। अब समय आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज का उपाय। आज अब हनुमान भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।